से 14 साल पहले आपने स्थापना एक की थी इस संस्थान की, तो क्या लक्ष्य था आपका, क्या एम था, और आज आप अपने को कहाँ पाते हैं? जिस समय इस कॉलेज की स्थापना की गई थी उस समय चार पाँच में बहुत कम कॉलेज इंजीनियरिंग थे, और जिनकी क्वालिटी एजुकेशन जो थी वो मुझे अप टू द मार्क नहीं लगती थी। प्लेसमेंट के मामले में सभी कॉलेज लगभग उत्तर प्रदेश में पिछड़े हुए थे, गवर्नमेंट कॉलेजों को छोड़ करके, तो प्लेसमेंट से भी बच्चों को जॉब नहीं मिलती थी तो बच्चे बड़े दुखी रहते थे। एक्चुअली उत्तर प्रदेश में 96 से इन बच्चों का इंजीनियरिंग कॉलेज खुले और बच्चों का एडमिशन हुआ। जब हमने 2005 में खोला तो करीब 8-9 साल जा चुके थे, तो उससे ये मालूम पड़ गया था कि ये मोस्टली जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं ये केवल पैसा बनाने के लिए खोले गए हैं, और इनका बच्चों को जैसे BSc और BA में पढ़ा दिया जाता है, पढ़ा करके ऑफिस को प्राप्त करना था, लेकिन उन लोगों का लक्ष्य प्लेसमेंट की ओर नहीं था, एंटरप्रेन्योरशिप की ओर नहीं था, प्रोजेक्ट्स की ओर नहीं था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ हमने ऐड की हैं, और बड़े परिश्रम के बाद ये GL बजाज यहाँ आकर खड़ा हुआ है। तो क्या अभी सफ़र आपका ख़त्म हो गया है या अभी और सफ़र आगे बढ़ाना है? नहीं, और क्या आपका प्लानिंग क्या है? सफ़र कभी कम नहीं हो सकता। बहुत सारे प्रोजेक्ट हमने गवर्नमेंट के लिए रखे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट के लिए रखे हैं, तो ये सफ़र पूरा नहीं होगा। विद्यार्थियों के माध्यम से उन्हें पूरा कराएंगे। बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम है उनमें भी हम इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे कारखानों के लिए मदद कर रहे हैं हम, ये इंडस्ट्रीज़ को सलाह दे रहे हैं कि आप इस तरह से काम करिए, तो सारी चीज़ें चल रही हैं। और हम समझते हैं कि अब तक, अब हमारा यहाँ तक ये जो प्लेसमेंट का कार्य था वो तो हमने पूरा पा लिया, लेकिन अब बच्चे एंटरप्रेन्योर बने और नौकरियाँ दें, उस पर हमारा ज़्यादा फोकस है। यही मैं भी पूछना चाहता हूँ।